नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। हमारा चैनल एक नया साप्ताहिक बेरोजगारों के लिए रोजगार सीरीज लेकर आया है जो प्रत्येक सप्ताह आएगा। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह के रोजगारों के बारे में। पहली खबर उनके लिए है जो भारतीय नौसेना में जाना चाहते हैं। पद भारतीय नौसेना ने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एवं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स अगस्त 2020 बैच की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। यह आवेदन कुल 2700 पदों के लिए मांगा गया है, जिसमें 500 पद आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के तथा 2200 पद सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के हैं। आवेदन करने के लिए अगर शर्तों की बात किया जाए तो शर्त यह है कि आवेदन केवल अविवाहित पुरुषों के लिए है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स दोनों ही पदों के लिए अभ्यर्थी को 10+2 की परीक्षा गणित और भौतिक विषय के साथ ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा कंप्यूटर में से कोई एक विषय सहित कम से कम 60% अंकों के साथ भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी का जन्म 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2003 के बीच हुआ होना चाहिए। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान भर्ती होने पर अभ्यर्थी को भत्ते के रूप में 14,600 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जबकि प्रशिक्षण पूरा होने पर इनको डिफेंस वेतन मैट्रिक्स के लेवल 3, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपए मिलते हैं, उसमें रखा जाएगा। इसके अलावा 5200 रुपए प्रति माह सैनिक सेवा भत्ता, महंगाई भत्ता समय के साथ सरकार जिस तरह से भी लागू करेगी वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से 215 शुल्क चुकाने होंगे। आवेदन शुल्क को छोड़कर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को रिक्तियों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आवेदन 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 18 नवंबर है। आवेदक नौसेना के आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइंस डिवीजन ने देश भर के राज्यों में अपने पाइपलाइन क्षेत्रों में लगभग 380 अप्रेंटिस के अबंधन के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगा है। पद एवं रिक्तियों की अगर हम बात करें तो तकनीशियन अप्रेंटिस के 320 पद, जबकि ट्रेंड अप्रेंटिस के 60 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन करने के लिए किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी एक में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी एक में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी में भी 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ट्रेड अप्रेंटिस के असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। ट्रेड अप्रेंटिस के अकाउंटेंट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के कॉमर्स में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कम से कम 12वीं पास एवं उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत किसी मान्यता प्राप्त निकाय या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष से कम के प्रशिक्षण का डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आवेदन की हम बात करें तो 4 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 22 नवंबर के शाम 6 बजे तक चलेंगे। वहीं उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 तक न्यूनतम उम्र 18 तथा अधिकतम उम्र 24 वर्ष है। हालांकि एससी एसटी को 5 साल, वहीं ओबीसी को 3 साल, जबकि पीडब्ल्यूडी श्रेणी वालों को 10 साल की उम्र में छूट है। वहीं अगर हम वेतन और भत्ते की बात करें तो अप्रेंटिस को प्रतिमाह भत्ते अप्रेंटिसीज अधिनियम 1961, 1973 अप्रेंटिस नियम 1992 और निगम के दिशा निर्देशों के तहत दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन indianoilpipelines.in पर जाकर कर सकते हैं। एवं अगर इस आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी लेनी हो तो www.iocl.com पर जाकर ले सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने ग्रुप डी के प्यून और ड्राइवर के लिए कुल मिलाकर 3,678 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। आवेदन करने की तारीख 18 नवंबर से शुरू होगी जो कि 17 दिसंबर तक चलेगी। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन के लिए लग रहे शुल्क
में बाहरी राज्यों तथा जनरल ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपए तथा राज्य के एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए होंगे। वहीं वेतन 12,400 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। आवेदन करने का लिंक अभी नहीं दिया गया है, 18 नवंबर को लिंक सक्रिय होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट www.hcrag.nic.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती के लिए 2029 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में आईटीआई एनसीवीटी प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर से 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 तथा ओबीसी को 3 वर्षों की उम्र सीमा में छूट मिलेगी। वहीं आवेदन 8 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और यह 8 दिसंबर तक चलेंगे। जनरल और ओबीसी को 100 रुपए चुकाने होंगे, जबकि एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड एवं महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आवेदक www.rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इस भर्ती के संबंध में और अधिक जानकारी वहां से ले सकते हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य समाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने फार्मासिस्ट और अन्य पोस्ट भर्ती के लिए 1576 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भिन्न भिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। फार्मासिस्ट के लिए साइंस स्ट्रीम के साथ 10वीं और 12वीं की फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है। जिला कार्यक्रम समन्वय के लिए 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA पब्लिक हेल्थ में, जिला सलाहकार के लिए MBBS, BDS, आयुष, MSc नर्सिंग या समकक्ष में डिग्री, जिला सलाहकार NTCP के लिए 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA पब्लिक हेल्थ में, साथ में 2 साल काम करने का अनुभव होना अनिवार्य है। वित्तीय लॉजिस्टिक सलाहकार के लिए MBA, CA, ICWA में डिग्री होना चाहिए। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डाइटिशियन न्यूट्रिशन में बैचलर डिग्री आवश्यक है। समुदाय आधारित देखभाल एक्सटेंडर के लिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनारक्षित महिला सभी के लिए 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी पीएच के लिए 250 रुपए है, सभी श्रेणी महिलाओं के लिए 250 रुपए है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें या ऑफलाइन ई चलान शुल्क के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में शुल्क जमा करा सकते हैं। वहीं इन पदों पर आवेदन भरने की तारीख 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 21 नवंबर है। वेतन फार्मासिस्ट पद वालों के लिए प्रतिमाह 30,000, जिला कार्यक्रम समन्वयक को 20,000, जिला सलाहकार को 30,000, जिला सलाहकार NTCP को 32,000, वित्त लॉजिस्टिक सलाहकार को 30,000, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर को 12,000 तथा समुदाय आधारित देखभाल एक्सटेंडर को भी 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। आवेदन कहां करें तो इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर दिशा निर्देशों को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। IBPS ने IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कुल 1163 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। IT ऑफिसर के लिए बी लेवल सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए कृषि या समकक्ष विषय के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, राजभाषा अधिकारी के लिए डिग्री स्तर में एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर में विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। लॉ ऑफिसर के लिए कानून में स्नातक की डिग्री 3 वर्ष या 5 वर्ष, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मार्केटिंग PGDBA, PGDBM, PGDPM, PGDM में मास्टर डिग्री, PG डिप्लोमा हो अनिवार्य। अगर भाई हम आयु सीमा की बात करें तो 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा की मान्यता होगी। आवेदन की तिथि, आवेदन 6 नवंबर से शुरू हो चुका है और अंतिम तारीख 26 नवंबर है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य ओबीसी 600, एससी एसटी पीएच 100 रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चलान शुल्क मोड के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। वहीं वेतन 14,500 से 25,700 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आवेदन कहां करें तो अभ्यर्थी www.ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, साथ ही यहां से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा CDS
आई 2020 ने सेना नौसेना एयरफोर्स में कमीशन अधिकारी के लिए कुल मिलाकर 418 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण हो। भारतीय नौसेना अकेडमी INA के लिए अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य होगा। वायुसेना अकेडमी के लिए 12वीं स्तर या इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री में भौतिक और गणित के साथ बैचलर डिग्री होना अनिवार्य होगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी OTA पुरुष के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण हो। अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी OTA महिला किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण हो। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आर्मी और नेवी के लिए 17 से 22 आयु सीमा होनी चाहिए और वायुसेना के लिए 18 से 22 जबकि OTA के लिए 17 से 23 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदन तिथि, आवेदन 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है जिसका अंतिम तारीख 19 नवंबर है। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC उम्मीदवार के लिए ₹200 तथा SC और ST उम्मीदवार एवं सभी श्रेणी की महिलाओं का कोई शुल्क नहीं लगेगा। वही वेतन 56,100 से 2,50,500 प्रतिमाह मिलेगा। आवेदन कहाँ करें तो अभ्यर्थी www.upscionline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं इस संबंध में यहां से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार SSC ने अनुवादक एवं सहायक पद के लिए कुल मिलाकर 505 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। सहायक उर्दू अनुवाचक के लिए उर्दू विषय जो कि न्यूनतम 100 अंकों का हो के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। उर्दू अनुवाचक के लिए विषय के रूप में उर्दू के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। राजभाषा सहायक उर्दू के लिए विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक मास्टर डिग्री हो। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो सहायक उर्दू अनुवाचक के लिए 18 से 37 वर्ष और उर्दू अनुवाचक तथा राजभाषा सहायक उर्दू के लिए 21 से 37 वर्ष के बीच में उम्र के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य OBC 600, SC ST PH ₹150, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। वहीं आवेदन की तारीख की अगर हम बात करें तो आवेदन 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। आवेदन कहां करें तो अभ्यर्थी www.bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इस संबंध में वहां से और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।